तारीख को पूरे भारत देश में एसटीएससी समाज के आह्वान पर सुप्रीम कोर्ट भारत देश के सर्वोच्च जो कोर्ट है उस कोर्ट के द्वारा अपने ही देश के लोगों के विरुद्ध सात बेंच के जजों के द्वारा जो निर्णय दिया गया है वह निर्णय है कि आदिवासियों को 1947 में आजादी के बाद जब 1950 के भारत सरकार का गठन हुआ, भारत देश का गठन हुआ, भारत देश शासन बना, उस दिन से लेकर के आज तक 1950 से लेकर के 2024 तक यानी कि लगभग 78 साल तक हम लोगों ने आदिवासियों को और अनुसूचित जाति के लोगों को उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, नौकरी के लिए, भारत देश में शासन चलाने के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए, जनप्रतिनिधि के लिए जितने भी प्रकार का आरक्षण दिए हैं उस आरक्षण के बदौलत 78 साल में उन लोग बहुत ज्यादा विकास कर चुके हैं। उनको हम विकास का बहुत मौका दिया, 78 साल विकास का मौका दे दिए, अब उनका विकास हो चुका है तो जिनका विकास हो गया है उनकी आरक्षण को खत्म किया जाए। वर्गीकरण का मतलब यहाँ बहुत सारे लोग हमारे वक्ता बता रहे हैं कि आदिवासियों को वर्गीकरण में बांटा जा रहा है, वर्गीकरण में बांटा जा रहा है, मतलब जितने लोग नौकरी कर रहे हैं वो अमीर बन गए तो उनको आरक्षण से हटा दिया जाए, और जो गरीब है मतलब किसको गरीब बोला जाएगा, जो आदिवासी 2.5 लाख रुपया साल में कमाता है वो अमीर है, जो आदिवासी 2.5 लाख रुपया एक साल में कमाता है वो अमीर है, लेकिन वही आरक्षण कैटेगरी के मापदंड में वही सुप्रीम कोर्ट, वही भारत देश का संसद ये कहता है कि जब सामान्य वर्गों के लोगों के लिए जब रिजर्वेशन पॉलिसी की बात की तो बोला कि 10% हम सामान्य वर्गों के जो गरीब लोग हैं उनको भी हम आरक्षण देंगे, ये पिछले 2-4 साल पहले की बात है। तो उन्होंने क्राइटेरिया रखा कि जो सामान्य वर्ग है, जो आदिवासी हरिजन पिछड़ा वर्ग नहीं है उनको भी हम आरक्षण देंगे, मतलब स्वर्ण लोग को भी आरक्षण देंगे, स्वर्ण मतलब ब्राह्मण, उनको भी आरक्षण देंगे लेकिन 10% देंगे। लेकिन उनकी क्राइटेरिया कितना होगा, अगर कोई ब्राह्मण स्वर्ण एक साल में 8 लाख रुपया कमाता है तो गरीब है, वही सरकार कहता है। सोचिए आप इस हमारे भारत देश में जो स्वर्ण ब्राह्मण है अगर वो देश में साल भर में एक साल के अंदर में अगर 8 लाख कमाता है तो स्वर्ण और ब्राह्मण गरीब है, लेकिन अगर आदिवासी 2.5 लाख कमाता है तो अमीर है। क्या आपके साथ न्याय हो रहा है, न्याय हो रहा है, चाहे आपको करना है कि इस देश की सरकार जिसको आप लोग बनाते हो, क्योंकि विधायक आप सब चुनते हैं, सांसद आप सब चुनते हैं और आपके द्वारा बनाया सरकार आप ही के थाली की भात को छीन रहा है, कैसे बचाएंगे। और वर्गीकरण की बात को सबसे ज्यादा समझना चाहिए कि वर्गीकरण मतलब 2.5 लाख कमाने वाला अमीर और 8 लाख कमाने वाला, क्या विडंबना है जिस देश में हम निवास करते हैं, जिस सरकार को हम बनाते हैं, जिस सरकार का संरक्षण की हम बात करते हैं वही सरकार एक व्यक्ति को बोलता है तुम 8 लाख में गरीब हो और उसी भाई को बोलता है कि तुम उसी देश के नागरिक को बोलता है कि तुम 2.5 लाख में अमीर हो। ये सरासर हमारे आदिवासियों के साथ और अनुसूचित जाति समाज के साथ ही नहीं बल्कि ओबीसी के साथ भी अन्याय है, ये पूरे बुंदेलखंड समाज के साथ अन्याय है। बात को हमको समझना चाहिए कि हमारे साथ भारत देश की सरकार कैसा हमारे साथ सलूट कर रहा है। और दूसरी बात, आज हमारा देश का आरक्षण की जो मुद्दा है वो एक नगर में हम देख रहे हैं, यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, सारे लोग के पास व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, सब लोग को पता होगा आजकल कुछ दिन पहले देश में एक समिति गठित हुई है, भारत सरकार ने समिति बनाया है, यहाँ पे कई जवान होंगे, कई हमारे ऐसे जो शिक्षक साथी भी होंगे और भी कर्मचारी होंगे, वो कुर्सी पाने के बाद सोचता है कि मैं
पीएससी की तैयारी करूं, मतलब स्टेट पीएससी की मैं तैयारी करूं और लोक सेवा की परीक्षा देके मैं स्टेट सर्विस में जाकर के मैं राज्य की सेवा करूं, मतलब पीएससी की परीक्षा देना चाहता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देकर के एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर या फिर आपका एसडीओ की टीआई जो भी पोस्ट पाना चाहता है वो लेना चाहता है। लेकिन आज के सबसे बड़े आरक्षण के पीछे एक और कानून बना के लाया है भारत सरकार का, वो है लेटर एंट्री। लेटर एंट्री मतलब अब ये भारत सरकार ये बोल रहा है कि अब देश में यूपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है कलेक्टर बनने के लिए, देश में पुलिस अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, अब देश में डीएफओ बनने के लिए, आईएफएस अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। आवेदन भरो, सरकार तय करेगी किसको आईएएस, आईएफएस, आईपीएस बनाना है, वो कैटेगरी के हिसाब से तय करेगा और पूरा भर्ती सरकार जो है चार नंबर के 100% रिजर्वेशन के आधार पे 100 लोगों को भारत सरकार के मंत्रालय में सचिव देगा। ये तय कर दिया, वैकेंसी भी निकाल डाला, आवेदन भी भर रहा है और हमारे आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के और अनुसूचित जाति के लोग यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं दिन रात 18 घंटा, 22 घंटा, 20 घंटा जो पढ़ रहे हैं सपना लेके कि मेरा मैं तो कलेक्टर बनूंगा, मैं एसपी बनूंगा, मैं डीएफओ बनूंगा, मैं आईएएस आईआरएस अधिकारी बनूंगा, ये सपना लेके जो तैयारी कर रहा है। लेकिन भारत सरकार पीछे से 200 लोगों को बिना यूपीएससी के परीक्षा दिए वो भर्ती करने के लिए वैकेंसी जारी कर दिया है। और कितना पद में भर्ती करेगा आज की स्थिति में 45 पद, कितना पद 45 पद सरकार खिड़की के पीछे से भर्ती कर रहा है बिना परीक्षा दिए। लेकिन उसमें भर्ती किसका होगा, आदिवासी का, पिछड़ा वर्ग का, अनुसूचित जाति का, नहीं सिर्फ स्वर्ण ब्राह्मण का भर्ती होगा। मतलब सोच लीजिए कि सरकार किसके लिए काम कर रही है, देश की सरकार। तो आप सभी इस आदिवासी समाज के, अनुसूचित जाति समाज के, अन्य पिछड़ा वर्ग के समाज के अब तक जो आप लोगों ने धोखे में रहा है, कौन सी धोखे में, ये आदिवासी है, ये पिछड़ा वर्ग है, ये अनुसूचित जाति है, हम तीनों वर्ग आपस में लड़ते जा रहे हैं, वो ला चलाओ जी की पढ़ते ना, भूत डालो शासन करो, अरे ये तो गाना हरे, ये हलवा हरे, ये गोंड हरे, ये तो कला हरे, ये मरा हरे, महाराज हमला कर चलना है। लेकिन ये वर्गीकरण जाति वाला फंडा को आप लोग समझिए, जातियों में हम नहीं बांटे, जातियों में वही सवर्ण लोग बांटे हैं, हमको उन्हीं लोग बर्बाद किए हैं। अब आप लोग को जागना होगा कि देश के मूल निवासी आदिवासी भी है, ओबीसी भी है और अनुसूचित जाति भी है, ये सारे लोग इस देश के मूल निवासी है और इस देश में अगर हम सबको मिलाते हैं तो हमारा जो ओबीसी लोग का जनसंख्या है भारत देश में, पूरे भारत देश में ओबीसी लोगों का 52% है, कितना परसेंट, 52% ओबीसी लोगों का है। भारत सरकार के मंत्रालय में कितना आईएएस ऑफिसर है ओबीसी लोगों के, 5 पद नहीं है उनका, आज लिस्ट निकाल के खोज लीजिए। इस भारत देश में एससी समाज का, अनुसूचित जाति समाज के लोग 16% है, भारत देश में 16% में 1% उनका भारत सरकार के कर्मचारी पोस्ट में 1 पद नहीं है उनका, और आदिवासी भारत देश में सिर्फ 8% है, कितना परसेंट, 8% सबसे कम, भारत देश में सबसे कम संख्या 8% सिर्फ आदिवासियों की है और 8% वालों की एक भी पोस्ट भारत सरकार के मंत्रालय में किसी को सरकारी नौकरी नहीं है। अभी लोग वर्गीकरण की बात करते हैं, पहले भारत सरकार ने 8% रिजर्वेशन देखो तो देखो, पहले भारत सरकार मंत्रालय में 16% रिजर्वेशन देखो तो देखो, पहले भारत सरकार में 52% रिजर्वेशन ओबीसी को लोगों देखो तो देखो। लेकिन सरकार नहीं करेगी क्योंकि वो नहीं चाहता कि आदिवासियों का देश में विकास हो, वो नहीं चाहता कि पिछड़ा वर्ग के देश में विकास हो, वो नहीं चाहता कि देश में अनुसूचित जाति का विकास हो। 1947 के पहले हम अंग्रेज के गुलाम थे, उसके पहले हम मुगलों के गुलाम थे, उससे पहले हम आर्य ब्राह्मणों के गुलाम थे, उससे पहले हमारे राजा लोग शासन किए, तो वही मुगलों के पहले आर्यों का आगमन के बाद हम लोग को जो गुलाम बनाया रखा था वही गुलामी 2024 के बाद शुरू होने वाला है, ये इसका वर्गीकरण संकेत है।
ये संकेत है, ये शुरुआत है। पीछे आगे और चल के देखिए क्या क्या हमारे साथ होने वाला है। ये तो सिर्फ आरक्षण का वर्गीकरण है, उसके आगे हमारे साथ क्रिमिनल लेयर लाए हैं, उसके साथ हमारे साथ अभी पीछे से वो जो यूपीएससी के परीक्षा अधिकारी बनो, कोंकण में अधिकारी बनो, ये वाला पोस्ट भी लाया जा रहा है। मतलब सीधा सीधा बोल रहा है कि अब देश में मूल निवासियों को खत्म किया जाए, ये पूरा रणनीति चला आ रहा है। क्योंकि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन आप लोगों ने एक बात लिखकर क्या होगा, आने वाला साल में भी और पिछले साल में भी एक बात हुआ था, उसमें एक बात आया था यूजीसी, जिसको हम बोलते हैं कि पूरे भारत देश के नागरिकों को एक समान नागरिकता देंगे। कैसा नागरिकता देंगे? जब तुम ये कहते हो कि भारत देश में कोई जाति नहीं होगा, यहाँ का आदिवासी एससी ओबीसी जनरल सारे लोग मुस्लिम जैन सिख और जब पूरे देश को लोग एक रूप जगह में नागरिक होंगे, पूरे देश को लोग एक नागरिकता की बात करते हो और वर्गीकरण की बात कर रहे हो, इसका मतलब यूसीसी धोखा है। इसका मतलब समान नागरिकता से देश में धोखा है, हमारे साथ धोखा कर दिया सरकार। यूसीसी के लाया नाम और पीछे से कर रहा है वर्गीकरण, यूसीसी का नाम लाया पीछे से ले रहा है फ्री यूपीएससी, ये क्या तरीका है भाई? आपको समझना होगा इस बात को कि आज देश में जो घटनाएं हो रही है वो संकेत दे रहा है कि इस देश में सबसे ज्यादा अवशोषित होने वाला कोई समाज है वो एससी एसटी और ओबीसी, वो बहुत जल्दी देश में कुछ ले जाएंगे। अगर समाज नहीं जागा तो अगर अधिकार को बचाना है तो आप सबको जागनी होगी। यही बात मैं आप सबसे निवेदन करता हूं। लास्ट में बस एक शब्द और करना चाहूंगा आप सभी से, जितने भी समाज के लोग यहां बैठे हैं, आप ये ठान लीजिए आज 21 तारीख से आप ठान लीजिए कि आज से इधर हमारा समस्या शुरू हो रहा है, आने वाला समय में और ज्यादा हमें संघर्ष की आवश्यकता है। अगर आप यूं ही आपस में समाज के नाम से लड़ते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम अपने भारत देश के संविधान को नहीं बचा पाएंगे। भारत देश का संविधान नहीं बचेगा मतलब इस देश के मूल निवासी देश से हमको अगर कोई बचाएगा तो एक ही चीज है, वो है भारत का संविधान। आज भी हम कह रहे हैं, पिछले 9 अगस्त में भी हम बोले थे, ये बात हमारी समाज में हमको गलत लगता है कि भाई आज भारत देश में हमारा संविधान खतरे में है, ऐसा कहते हैं। अरे भाई कौन बदला है इतने बड़े संविधान को? आज करके दिखा दिया ना, करके दिखाया कि नहीं, दिखाया कि नहीं। वो आने वाला चुनाव में वो 2025 में चैलेंज कर रहा है कि पूरा मैं भारत का संविधान ही बदल दूंगा, वो करके दिखाएगा अगर समाज सोए रहेगा तो आप सबसे निवेदन है कि आप जागिए और रोज कम से कम सोशल मीडिया में फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर इंस्टा में जो संविधान के प्रति जो गलत फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है या भारत का संसद अगर लाता है या देश के विधानसभा या राज्यसभा लाता है तो उसके प्रति आप पढ़िए और घर बैठे अपने आप में जागरूकता लाइए, हर समाज में खुद अपने आप को जागरूकता लाइए। आपको कोई दूसरा जागरूकता लाने के लिए आपके घर नहीं आएगा, आपको खुद को जागरूक करना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया में पोस्ट खुद को पढ़ना पड़ेगा और पढ़ करके खुद को समझना पड़ेगा कि देश ने हमारे लिए क्या कानून बनाया है, क्या वो कानून सही है या हमारे लिए कानून गलत है, इसका निर्णय आपको लेना पड़ेगा। और इसमें वर्गीकरण में एक बात आपको और समझनी पड़ेगी, 7 बेंच की जज में से जो 7 जज थे उसमें एक जज महिला थी, सारे जज ब्राह्मण थे, वो भी ब्राह्मण थी, महिला भी ब्राह्मण जज थी। उस 7 बेंच में फैसला सुनाया गया उसमें कोई भी आदिवासी जज, उसमें कोई भी पिछड़ा वर्ग समाज का जज, उसमें कोई भी अनुसूचित जाति समाज का जज, जब हमारे समाज के प्रतिनिधित्व ही वहां नहीं है कौन होते भाई हमारे लिए निर्णय लेने वाले? हमसे तो पूछो कि हम आज अमीर हैं कि गरीब हैं, तुम दिल्ली में बैठे कौन होते हो हमारे निर्णय लेने वाले? क्या उनको निर्णय लेने देंगे? 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 नहीं देंगे। वो तब नहीं दे पाएंगे जब हम एकजुट होंगे,
अगर अलग अलग जाति में बटेंगे तो उसके पास पावर है, वो निर्णय दे देगा। लेकिन उसको निर्णय को भी खारिज करने का पावर है आपके जन पावर, मतलब लोगों के पास पावर। अब इतना स्ट्राइक करो, इतना स्ट्राइक करो कि देश के सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़े कि भाई मेरा फैसला को मैं वापस लेता हूं। ये निर्णय लेना पड़ेगा आप लोगों को, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी आप लोगों को। हम बोलेंगे कि हमारा संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए बिरसा मुंडा है, बिरसा मुंडा चला गया भाई लड़के, वो नहीं जाएगा वापस। हम बोलेंगे कि गुंडा दूर हमारे लड़ने आए, वो चला गया अपने लड़के, वो हमको लेके चला गया, वापस नहीं आएगा। रानी दुर्गति वापस नहीं आएगी, जिग्नू दूर वापस नहीं आएगा। आपको बिरसा मुंडा बनना, आपको गुंडा दूर बनना, आपको रानी दुर्गवती, आपको ज्ञान सिंह बनना, आपको बनना पड़ेगा। लेकिन त्रिशूल भाला धनु मान से नहीं, संविधान की किताब से। किससे? संविधान की किताब आपको उठानी पड़ेगी। वही आपका हथियार है, वही आपका औजार है। आप 395 अनुच्छेद पढ़ लीजिए, भारत के संविधान के 22 भाग आप पढ़ लीजिए, भारत के संविधान के 11वें 12वें अनुसूचियों को पढ़ लीजिए। अगर जिस दिन आप भारत के संविधान के 12 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद पढ़ लिया, उस दिन आपको आदिवासी होने से कोई कोई क्या रोक नहीं सकता। उस दिन आपको अनुसूचित जाति होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आपका आज का सबसे बड़ा अगर कोई औजार है, सबसे बड़ा हथियार है, तो आपका भारत देश का संविधान है, जो बाबा साहब अंबेडकर के अध्यक्षता में लिखा गया है, देश को अंगीकृत किया गया है और देश से उसको स्वीकारा गया है। उसमें सबसे ज्यादा उस महिला सुप्रीम कोर्ट की जज ने एक बात कही है कि 341 और 342 और 340 में सुप्रीम कोर्ट को भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। जब संविधान कहता है कि 340, 341 और अनुच्छेद 342 में सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, तो कौन होता है जो संविधान के ऊपर निर्णय दिया गया है? तो एक बात क्लियर होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को अपने ऊपर नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान को अपने ऊपर नहीं मानता। वो ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए समिति साथ में वो अपने पैर के नीचे मानता है भारत के संविधान को। ये स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इस देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन? भारत देश का संविधान। इस देश में लोकसभा से बड़ा कौन? भारत का संविधान। इस देश में राज्यसभा से या राज्यपाल से बड़ा कौन? भारत का संविधान। इस देश की विधानसभा से बड़ा कौन? भारत का संविधान। तो उस 7 जजों को इतना होश नहीं है कि संविधान से बड़ा हम नहीं है, लेकिन उन्होंने संविधान के खिलाफ जाकर के फैसला लिया है, मतलब संविधान के विरुद्ध फैसला लिया है। तो हम उस 7 में से 6 जजों का हम इस मंच के माध्यम से, आदिवासी समाज के माध्यम से, अनुसूचित जाति समाज के माध्यम से घोर निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं कि ऐसे 6 जजों को भारत देश के चीफ जस्टिस पद से हटा देना चाहिए, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट को भारत के संविधान के ऊपर फैसला लेने का अधिकार नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, वो 7 जज में से एक महिला जज थी, उस जज ने उस फैसले को इनकार कर दी कि मैं इस फैसले में सहमत नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 330, 341 और 342 जो है सिर्फ संसद को पावर है कि किसी वर्ग को वर्गीकरण में बांटने का, और सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। उसी जज के ग्रुप में से जज ने कही है, मतलब वो भारत के संविधान के अनुच्छेदों को पढ़ी है, वो जानती है, इसलिए वो 6 जज को एक महिला ने तमाचा मारा और बोला अनुसूचित जाति नहीं है, लेकिन ब्राह्मण स्वर्ण है, उसके बाजू को आदिवासियों के लिए सोची कम से कम
एक जन से कम से कम संविधान के प्रति समझदार निकले, हम उसका इस मंच के माध्यम से सम्मान करते हैं, उसको अभिवादन करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि कम से कम एक महिला जब होते हुए भी हमारा समर्थन की और उस संसद के गरिमा को बचाई। इस बात को आप सबको जानकारी होना चाहिए कि देश में सुप्रीम कोर्ट बड़ा नहीं है, इस देश में संसद बड़ा नहीं है, देश में विधानसभा बड़ा नहीं है, देश में राज्यसभा बड़ा नहीं है, बल्कि देश के भारत का संविधान बड़ा है। वही संविधान सर्वोपरि है, उस देश को कैसे चलना है उसकी पूरी व्यवस्था बनाती है। एक मजदूर, गरीब, असहाय, सहाय, महिला, पुरुष, युवा, सबको समानता का अधिकार सिर्फ भारत का संविधान देता है। कौन देता है? कौन देता है? कौन देता है? संविधान। तो आप सबको संविधान को और आगे चलना चाहिए, बाबा साहब के बताए पद पर चलना चाहिए और अपने संविधान के बदौलत अपने अधिकारों को बजाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत आभार करते हुए अपनी बात कहने पे विराम देता हूँ। आप बहुत शुभ। हाँ।